आपने दिशा सूचक यंत्र देखा है, कंपास कैसे काम करता है? नहीं देखा है? सबसे पहले मैं आपको दिशा सूचक यंत्र दिखाऊंगा। अच्छा, वो बनाया था क्या, वो पानी पर तैरने वाला सुई बनाई थी क्या किसी ने, चुंबक पर घिसकर मैंने हाँ भैया, काम किया था क्या? खुशी किया हाँ किया था ना भैया। था? चलो, मेरे को पिक्चर नहीं मिली क्योंकि मैंने बोला था कि अगर बनाओ तो, शायद मैंने कहीं बोला था, नहीं बोला। अगर नहीं कुछ बोला भी था। बनाओ ना, ऐसी चीजें प्रैक्टिकल करते हो तो उसकी एक पिक्चर या छोटी सी वीडियो अगर बना सको, छोटी सी वीडियो करके, उस पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेरी बात सुनते हैं तो। और किसी ने बनाया था क्या वो दिशा सूचक यंत्र घर में सुई के, सुई के साथ? भैया आज बनाऊंगी, मैग्नेट गलत बात नहीं थी है, इसलिए। मैग्नेट तो भैया घर में थी नहीं होती ही ना, है ना। भैया सब है ना, मतलब फेंक बहुत अच्छे, चलो ठीक है, गई। यही कुछ नहीं है। फिर से कोशिश करना आज फिर बनाने की। मैं इस क्लास की शुरुआत जो करता हूँ, मैं दिशा सूचक यंत्र यानी कि उसको, दिशा सूचक यंत्र यानी कि जिसको कंपास बोलते हैं, कंपास से करता हूँ कि कंपास कैसा होता है। तो अब जाहिर सी बात है, मैं आपको दिखा तो सकता नहीं हूँ लेकिन यूट्यूब पे बता सकता हूँ कि कंपास कैसे होता है। बहुत अलग अलग तरह के कंपास होते हैं। कल तो हालांकि मैंने वीडियो में दिखाया भी था आपको, जो डायरेक्शन बता रहा था है ना, वो कंपास होता है। आपके मोबाइल में भी, कई एमआई के फोन में भी कंपास आते हैं, जो एमआई होता है ना, एमआई के फोन में भी कंपास डायरेक्शन बता रहा होता है वो। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको कंपास का पता चल सके, कंपास कैसा होता है और कंपास काम कैसे करता है। चलो इस पे बात कर लेते थोड़ी सी है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि रियलिटी में होता कैसा है कंपास। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रीन पर, मैं बड़ी स्क्रीन नहीं करूंगा, कंपास कैसे काम करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं ये वाले कंपास। ये तो खैर घड़ी है, इसी तरह के दिखते हैं कंपास जो कि डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं है ना। मूवी का सीन लिया था इन्होंने एक, हमारी पृथ्वी जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो दो पोल में डिवाइडेड रहती है, और किसी चुंबक के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है। तो ये एक दूसरे के प्रति, अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें, दोनों कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कंपास सुई कुछ ऐसी दिखाई देती है ना। ये रेडियो कंपास है, मतलब जो एयरक्राफ्ट या जहाज में होता है वैसा होता है, नॉर्मल कंपास ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा डब्बा जैसा होता है, उसमें एक स्ट्रिप लगी रहती है, लोहे की स्ट्रिप लगी रहती है। अपन स्कूल आओगे आप जब, तो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। एक साइड को थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं ताकि बता पाए कि दूसरे, ये वाला जो है वो नॉर्थ को दिखाना चाहिए, अपोजिट साइड साउथ को दिखाएगा। तो कंपास की सहायता से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि हम कौन सी दिशा में खड़े हुए हैं, कौन सी तरफ फेस करे हुए हैं है ना। तो कंपास का यूज आज से नहीं, बहुत सालों से किया जा रहा है। किसका कारण से, जैसे कोई यात्री घूमने जाता था तो अभी तो उनके पास फोन है, जीपीएस में देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं है ना। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमको बता देता है कि हम पृथ्वी के किस कोने पर स्थित है या फिर पृथ्वी पर हम कहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब पुराना टाइम था, लोग जहाज से बड़ी बड़ी यात्रा करते थे, जैसे वास्को डिगामा जब आया होगा भारत में जहाज लेकर, तो तब तो कुछ था नहीं, तब तो केवल कुछ चीजें ही होती थी। एक आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें वो जो रानी मुखर्जी की मूवी है, टीचर जॉब कर रही थी, उसमें वो बताते हैं कि जो जहाज के नागरिक होते थे, जो जहाज के यात्री होते थे, वो ध्रुव तारे को अपना निशाना बनाते थे कि ध्रुव तारा जिस साइड है उस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी है ना। तो ध्रुव तारा भी एक तरह की डायरेक्शन देखने के लिए यूज किया जाता था। और सूर्य तो फिर था ही, दिन के समय सूर्य जब उगता था तो पूर्व से उगता था, पश्चिम में अस्त होता था, तो वो लोग फेस कर लेते थे, शाम को अगर पश्चिम मेरे पीछे तो पूरा सामने होगा और लेफ्ट हैंड पे उत्तर होगा और राइट हैंड पे दक्षिण होगा, ऐसा इमेजिन कर लेते थे, वो दिशाओं का ज्ञान ऐसे कर देते थे। दिशा सूचक यंत्र आने के बाद जो है, उनको कोई सूर्य तारे कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना था, उनको जो है वो हाथ में रखना था दिशा सूचक यंत्र, और वो जो है वो अपने आप डायरेक्शन, वो सुई जो है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर देती थी, वो उस डायरेक्शन में चलना चालू कर देते थे। तो दिशा सूचक यंत्र इसलिए बहुत ज्यादा काम आता था। अच्छा, ये दिशा सूचक यंत्र होता क्या है? कुछ नहीं होता है, एक मेटल मेटल की स्ट्रिप होती है, मेटल की एक पत्ती होती है, उसको मैग्नेट मैग्नेट से घिस देते हैं, मतलब वो मैग्नेटिक स्ट्रिप हो जाती है बस। धातु की वो पत्ती थोड़ी सी चुंबकीय हो जाती है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। और आपको मालूम है, यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिबिंब पे लटका देते हैं, जैसे धागे की सहायता से लटका देते हैं, तो आपको पता है कि वो हमेशा हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रुक रही हो, हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रुक रही हो।
वो पत्ती क्या करा उन्होंने, उस चुंबक को दिशा सूचक यंत्र में अंदर डाला और फ्रीली उसको ऐसा लटका दिया, हवा में लटका दिया, जिसके कारण से वो हमेशा कहाँ रुकी रहती है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रुकी हुई रहती है ना। इसके कारण से दिशा सूचक यंत्र हमको क्या दिखा देता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा देता है। और यदि हम बात करें क्यों होता है ऐसा, तो रीजन वही है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम कर रही होती है। पृथ्वी का चुंबकत्व कहाँ से आता है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण से आता है, पृथ्वी जो घूम रही है उसके कारण से पृथ्वी में जो है वो चुंबकत्व आ रहा होता है। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि कैसे आता है चुंबकत्व, थोड़ा सा और जान लेते हैं। पूरे वीडियो में केवल ये बोला हुआ है, वीडियो आया था अभी आपके सामने? नहीं नहीं भैया, नहीं ये आया आया, मैंने खुद ने देख लिया, आपको नहीं दिखाया, फिर से देख लो एक बार, बोल भी नहीं रहे हो। पूरे वीडियो में केवल केवल ये बताया हुआ है कि मैप में कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो मैग्नेटिक पोल होता है वो पोल और हमारे जो सही में मैप में जो नॉर्थ पोल दिखता है उसका सेंटर, दोनों ही बहुत ज्यादा अलग होते हैं। जहाँ जो भौगोलिक पोल होता है, मतलब जो सही में पृथ्वी का पोल है, मतलब पृथ्वी गोल है ना, तो पृथ्वी के दो ध्रुव होंगे, एक ऊपर और एक ऊपरी और एक निचली। जो भौगोलिक गोल होता है वो आर्कटिक पे आता है, जहां तक जहाँ जब बिल्कुल सेंटर पे आता है ऊपर के। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल होता है, मैग्नेटिक ध्रुव जो होता है, वो थोड़ा सा नीचे साइड है, लगभग लगभग 1000 किलोमीटर नीचे, 1000 माइल नीचे है ना, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा, 1000 माइल जो है वो नीचे आता है थोड़ा सा ध्रुव। तो आप इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पर है, तो जो नॉर्थ पोल भौगोलिक आता है वो यहाँ पर आकर ही आता है, जबकि अगर मैग्नेटिक चुंबकीय पोल की बात करें तो वो थोड़ा सा नीचे साइड आता है, इधर कहीं आता है ना। तो नॉर्थ पोल थोड़ा सा मूव किया, पोल जो है अपना मूव किया रहता है, मतलब बोलना ये चाह रहे हैं पूरे के पूरे वीडियो में, जो हमारा जो भौगोलिक ध्रुव होता है, मतलब पृथ्वी ऐसी चपटी है, गोल है लगभग, और उसका सिरा जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वो जो ऊपरी सिरा कहलाएगा वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और जो निचला सिरा कहलाएगा वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। जो जो चुंबकीय ध्रुव है ना, ये तो भौगोलिक ध्रुव होगा बिल्कुल सेंटर पे, जो चुंबकीय ध्रुव है वो थोड़ा सा भौगोलिक ध्रुव से थोड़ा सा नीचे साइड होता है ना। तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम कर रही होती है, उसके भी दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसके कारण से वो एक बड़ी चुंबक के कारण से ही हम बड़ी चुंबक मतलब पृथ्वी पर रह रहे हैं, उसके कारण से बड़ी चुंबक के कारण से ही जो छोटी छोटी चुंबक होती हैं वो बड़ी चुंबक की दिशा में ही डायरेक्शन में ही रोटेट करती हैं, उसी की डायरेक्शन में जा रही होती हैं, जिसके कारण से हमको जो दिशा सूचक यंत्र है वो किसकी दिशा दिखाती है, वो हमारी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही होती है। और वो कौन सी होती है, साउथ से नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ डायरेक्शन को हमको दिखा रहा होता है ना। काफी इतनी चीजें आपको पता होना दिशा सूचक यंत्र के बारे में। अब थोड़ा सा बुक पर आ जाते हैं, और बुक में जो दिया हुआ है सबसे पहला प्रैक्टिकल वो ये दिया हुआ है कि तांबे का सीधा मोटा तार लीजिए, इसे चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच रखिए, इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप से एक छोटी दिक्सूची रखिए, इस सूची की स्थिति को नोट कीजिए, प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में प्रवाहित कीजिए, दिक्सूचक की स्थिति में परिवर्तन में आए प्रक्षेपण प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। मतलब क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक बैटरी ली हुई है और एक लंबा सा कॉपर का तार ले लिया है, उसके पास एक दिक्सूची रख दी, दिक्सूची मतलब कि दिशा सूचक यंत्र रख दिया, जो कि नॉर्मली दिखा रहा होगा काय को, नॉर्थ को दिखा रहा होगा। जैसे ही हम इसको चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाली जो सुई रहती है वो विक्षेपित हो जाती है। इस वाले प्रैक्टिकल को कल मैं दिखाने वाला था लेकिन आज दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आज अपन वो पढ़ रहे हैं तो वो जरूरी होता है, कंपास मूवमेंट विकास ऑफ करंट।
ये देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल बाय करंट, ये वाला प्रैक्टिकल है जो आपके बुक में दिया हुआ है। वो क्या है, उन्होंने एक बैटरी ली हुई है, एक कॉपर तार इस बैटरी में लगाया हुआ है, एक स्विच यहाँ पर लगा दिया हुआ है ना, जो कि बैटरी से फिर से कनेक्ट है, ये वापस वैसे के वैसे लगा हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा वो स्विच जो है वो हैवी पावर का लगाया ताकि बैटरी से शॉर्ट ना हो वो चीज, है ना। साउंड आ रहा है आपके पास? नहीं भैया। अगेन अब आ रहा हो। देखो आप यहाँ पर क्या करा उन्होंने, पहले डिफ्लेक्टेड जब चालू नहीं था सुई को, देखो मैग्नेटिक सुई को, देखो देखो मत, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक सुई रखी हुई है, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन दिखा रही है, देखो नॉर्थ साउथ दिखा व्हेन रही है। वी क्लोज द स्विच द जैसे ही करंट हम स्विच फ्लोस चालू करते हैं, जैसे ही हम स्विच चालू करते हैं, इस तार में से क्या होता है, करंट फ्लो थ्रू द होता है, देखो ध्यान वायर से। एंड द नीडल ऑफ द नियर बाय कंपास इज डिफ्लेक्टेड जी जैसे ही स्विच अगेन चालू कर रहे हैं आप देख रहे हो, जैसे ही इसमें से करंट बहता है, ये जो निडल होती है ये मूव कर जाती है, मूव कर रही है कि नहीं, देखो The needle is ऊपर में जाती है, deflected because instead of being तुरंत जो है, attracted by the magnetic field of the earth, बस समझ में आया, बात समझ में आई। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि पहले तो बेचारी चुंबकीय सुई अर्थ की डायरेक्शन को दिखा रही थी, क्योंकि चुंबक कौन सा, अर्थ का चुंबक को दिखा रही थी, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही आपने तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करी, तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो तार के आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तार के आजू बाजू चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर हो गया, वो बहुत बड़ा है और बहुत कम मात्रा में हम पे लागू हो रहा होता है, लेकिन उस चुंबकीय सुई के पास कोई उससे भी ज्यादा, जैसे आप मैग्नेट भी लाओगे ना यदि चुंबकीय सुई के पास, तो वो मैग्नेट की तरह, कल के वीडियो में देखा था कि नहीं, चुंबकीय सुई के पास अगर वो मैग्नेट लाते हैं तो चुंबकीय सुई उसकी तरह देखने लगती है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टच हो जाती है उससे, होता है कि नहीं ऐसा, बिल्कुल होता है ना। ऐसे यदि हम चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक जो सुई रहती है, जो कंपास रहता है, जो चुंबकीय सुई रहती है, वो अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट होती है। किस डायरेक्शन में होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी वो दिक्कत नहीं, डिफ्लेक्ट होती है, हिलती है। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जरूर होता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण से जो मैग्नेटिक सुई होती है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट होती है मतलब कि हिलती है, हल्की सी मूव होती है ना। एक बार फिर से बुक पे आते हैं, ये वाला प्रैक्टिकल यही वाला था। अगला देखो, सबसे पहले जो इसका वैज्ञानिक का नाम आता है सामने विद्युत चुंबक के प्रभाव को समझने के लिए, वो आता है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, है ना। ऑस्टेड बहुत फेमस वैज्ञानिक है वैद्युत चुंबक के, वैद्युत चुंबकत्व, यहाँ वैद्युत चुंबकत्व मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत के कारण से चुंबकत्व उत्पन्न होगा, है ना। अभी तक चुंबकत्व क्या होता था, मटेरियल होता था, कौन से मटेरियल होते थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते थे। फेरोमैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, परा चुंबकीय तत्व बोलेंगे, है ना। तो वो तत्व कैसे होते हैं, वो बेसिकली दो सब्सटेंस को मिला के बनाए जा रहे होते हैं, जैसे एस्बेस्टॉस, है ना। एस्बेस्टॉस एक आप ये समझ सकते हो कि जमीन से खुदाई होने वाला एक ओर है, मतलब कि एक अयस्क है, आप ये समझ सकते हो कि वो अयस्क है। और 2 मिनट, ये रुचि आई है, इसको ज्वाइन करवा दो। और चुंबक उससे उससे बनाया जाता था, है ना। यदि आपको ये वाली आशंका हो रही हो कि चुंबक कैसे बनते हैं, मैग्नेट कैसे बनते हैं, तो वहां यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, हाउ मैग्नेट्स आर मेड, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेट, 1 मिनट, खैर ये मैं आपको काम देता हूँ, आप सोच के आप ढूंढिएगा कि जो अपने मैग्नेट जो कौन से होते हैं, जो अपने घर में जो काले वाले होते हैं, वो उस प्रकार के मैग्नेट किससे मिलकर बने होते हैं, किस पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, ये आपका काम है। चैप्टर से हट रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आपके दिमाग से क्वेश्चन आता है ना कि चुंबक बनता कैसे होगा, कैसे चीज बनती होगी,
है ना, तो वो आप सर्च करिए किस मटेरियल से बने हुए रहते हैं। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं ढूंढ के आपको अगली क्लास में बताऊंगा, आप खुद से बताओगे, लेकिन देखना गूगल करोगे तो कि चुंबक कैसे बना होता है, गूगल पे सर्च करिएगा, वो गूगल खुद आपको बताएगा, है ना। इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि विद्युत चुंबक कैसे बने हुए होते हैं, तो किसी चालक तार में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं तो क्या होता है, उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस कील वाला उदाहरण एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। कील के आजू बाजू हमने अगर कोई तार लपेटा हुआ है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो पहले जब हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे होंगे तो कील से कोई चीज नहीं चिपकने वाली, है ना। यदि हम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कील कैसी हो जाएगी, चुंबकीय हो जाएगी और छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने लगेगी, बिल्कुल ऐसा होगा। ऑस्टेंड ने कैसे प्रयोग करे, ऑस्टेंड ने विद्युत चुंबक पर छोटे छोटे प्रयोग करे और उन्होंने प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबक परस्पर संबंधित परिघटनाएं, आपस में संबंधित परिघटनाएं। मतलब पहले ऐसा माना था कि विद्युत को अलग पढ़ा जाता था, इलेक्ट्रिक अलग पढ़ी जाती है और मैग्नेटिज्म अलग पढ़ा जाता था, लेकिन इनके प्रयोग के बाद इनके साथ साथ और भी वैज्ञानिक थे, बहुत सारे, जाहिर सी बात इकलौते नहीं थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है वो अपने अपने प्रेक्षण करे और इन लोगों ने फिर निष्कर्ष निकाला कि यार अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित परिघटना है, मतलब दोनों से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए साथ साथ पढ़ना चाहिए। और इसी उनके अनुसंधान ने ही आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों, प्रौद्योगिकी को बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में टेक्नोलॉजी, हिंदी में अजीब सा वर्ड लगता है प्रौद्योगिकी, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से तुम्हारे दिमाग में फट से जाती बातें कि जो इंटरनेट है वो नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नई टेक्नोलॉजी है, LED नई टेक्नोलॉजी है, फोन नई टेक्नोलॉजी है, सारी प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाश की आदि का सृजन जो है वो विद्युत चुंबक के आधार पर ही किया गया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑस्टेट रखा गया। इसको याद कर लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑस्टेट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसका मात्रक क्या है, ऑस्टेट है। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखा, जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है चुंबक के दो सिरे होते हैं, उत्तरोमुखी ध्रुव जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणोमुखी ध्रुव यानी कि जिसको हम दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों से हमने प्रेक्षण किया कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सजातीय मतलब एक जैसे ध्रुव, यदि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लाऊंगा तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना, प्रतिकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे, दोनों ही बोल सकते हो आप। और यदि दो विजातीय ध्रुवों को पास लाता हूं मैं, विजातीय मतलब एक को, एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ है, वो क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं यानी कि आकर्षित करने वाले हैं। तो दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, जबकि दो विजातीय ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। देखो इस चीज को आप बहुत बार देख चुके हो, केवल मैं उसको शब्दों में घोल दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। आपके पास यदि दो मैग्नेट हैं, जैसे मान लीजिए ये दो मैग्नेट हैं, है ना, ये दो मैग्नेट हैं, इसका ये वाला सिरा, इस मैग्नेट में ये वाला सिरा जो है मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो इसका नीचे वाला सिरा कौन सा होगा, साउथ पोल। जाहिर सी बात है कोई सी भी मैग्नेट होंगे उसके दो ध्रुव तो होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, पक्का ही होना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरी मैग्नेट लूं उसके भी एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा, पक्के में ऐसा ध्रुव होंगे ही उसके, 100% है, हर चुंबक के होते ही। जब मैं उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव, यानी कि दोनों कौन से ध्रुव हैं, आप सजातीय, सजातीय मतलब कि सेम सेम, है ना, सेम सेम नहीं, सेम सेम, सेम सेम है मतलब एक जैसे ध्रुव है, तो यदि मैं इसको पास लाऊंगा तो ये चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको याद रखना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये बचपन वाला खेल है, आपको पता होगा चुंबक के दो ध्रुव को अगर पास में लाओगे तो कभी कभी वो चिपकते नहीं है, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। मैं क्या बोलता हूँ उसको, जब चुंबक के सजातीय ध्रुवों को पास लाते हो आप, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते, एक दूसरे को दूर धकेलते। जब यदि इसका उल्टा कर दूं मैं, ये ऑलरेडी नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल पास में ले आऊं, तो अब कौन से ध्रुव हैं, दोनों विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव, एक जैसे जाति के नहीं है, है ना, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, जब इसको मैं पास लाऊंगा तो ये चिपक जाएंगे, तो इन दोनों में क्या पाया जाता है, आकर्षण। देखना वही चीज जो बोल रहा हूं मैं आपसे, बचपन वाली जो चीज आप करते थे उसी को शब्दों में ढाल दिया है, जब आप चुंबक के सजातीय ध्रुवों को पास लाते हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, है ना। यदि हम विजातीय ध्रुवों को पास लाते हैं, नॉर्थ के साथ हम साउथ ले आए, तो क्या हो जाएगा, वो
चिपक जाएगा एक दूसरे से। आप सेल से बहुत अच्छे से उदाहरण समझ सकते हो। सेल का जो ये वाला मान लो टोपी वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ पोल है। इसका भी ये वाला सिरा नॉर्थ पोल है और नीचे वाला सिरा साउथ पोल है। जब मैं नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाऊंगा तो ये चिपकेगा नहीं, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये रिपेल करेगा मतलब प्रतिकर्षित करेगा, मतलब कौन से ध्रुव है ये दोनों, सजातीय ध्रुव है, इसके कारण से ये रिपेल करेंगे एक दूसरे। अच्छा, इसी केस में अगर मैं विजातीय ध्रुव ले आता हूँ इसके नजदीक, तो क्या होने वाला है, ये विजातीय ध्रुव एक दूसरे को अटैक करेंगे और ये चिपक जाएगा। सही है ना, जो हम चीज कर रहे होते बस वही है, बस शब्दों में खेल गई है बुक, और कुछ भी नहीं। कितनी छोटी सी बात है, उसको जबरन में इतने बड़े बड़े शब्द दे के रखे हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव का कॉन्सेप्ट हो गया। सजातीय ध्रुव छोटे से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है, इसके बाद ये वाला प्रैक्टिकल है जो कि आपको मैं वीडियो दिखा चुका हूँ, लोहे की छीलन। एक सफेद कागज लेना पड़ता है आपको, उस पर एक छड़े छड़ा चुंबक रखेंगे अपन। और याद है मैंने बताया था जो 5-6 डायग्राम बने हुए थे आपके इंट्रोडक्शन वाले पेज पर, उसमें मैंने आपसे बोला था कि हो सकता किस्मत अच्छी रही तो आपके जो चार क्वेश्चन रहेंगे उसमें से एक क्वेश्चन इन चार पांचों डायग्राम में रहेगा। तो उनमें ये वाला डायग्राम था, है ना। ये डायग्राम क्या दिखा रहा होता है, ये क्रियाकलाप का डायग्राम है जो कि क्या दिखा रहा है, तो एक छड़ चुंबक है उसको लोहे की छीलन के साथ रख दिया है, और उन्होंने क्या करा, टेबल को थोड़ा सा हिलाया है, वाइब्रेट किया, उसको ठोका है, थोड़ा सा ठोका है तो क्या हो जाएगा, ठोकेंगे तो वो लोहे की छीलन जो है वो इस क्रम से इस प्रकार से जम जाती है ना। इससे हमको क्या पता चल जाता है, ये जो लोहे की छीलन इस प्रकार से जम गई है, हम बोलेंगे कि ये क्या है, चुंबक की बल रेखाएं हैं। ये क्या है, चुंबक की बल रेखा है। तो आपसे आप मुझसे बोले भैया ये डायग्राम बनाने को आ सकता है क्या, नहीं, चुंबक की बल रेखाओं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है, और ये डायग्राम ऐसा नहीं बनता है, जाहिर सी बात है ऐसा कैसे बना सकते हो आप, वो डायग्राम अभी मैं आपको बना के बताऊंगा, वैसा बन सकता है। तो क्रियाकलाप करने के लिए बोला हुआ है उन्होंने, ये जो है जहां तक जाहिर सी बात है जो इसमें जो मेन डेफिनेशन है वो चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके उसके बल का जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये वाली डेफिनेशन मैंने कल भी बताई थी, थोड़े अलग तरीके से बताई थी, वो भी डेफिनेशन सही है, ये भी डेफिनेशन सही है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। संसूचन किया जा सकता है मतलब उसके बल को महसूस किया जा सकता है ना। कोई कील लाएंगे अपन, अगर वो खिंच रही होगी, है ना, तो इतने उसके आसपास का वो एरिया जहां तक वो अपनी किसी कील को खींच सकता है अपनी तरफ, कोई चुंबक खींच सकता है, वो एरिया क्या कहलाएगा, वो एरिया उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। वह रेखाएं जिसके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। अब तो इन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ऐसी बना दी उन्होंने, कैसी बना दी, जब लोहे के सूत्र से। क्या हम इसको ड्रॉइंग पर बना सकते हैं, क्या हम ड्रॉइंग पर इसको फॉर्म कर सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को? तो जी हाँ, बिल्कुल हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा आपको चुंबकीय बल रेखाओं का निरूपण करने का, तो उसका वो प्रैक्टिकल जो है वो अब आपके सामने है। उस प्रैक्टिकल में क्या करना होगा आपको, देखो मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आपके पास बुक है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसकी पेंट स्क्रीन पर कि आपको इसको करना कैसे है ना, परफॉर्म कैसे करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक छड़ चुंबक लेंगे और उसको पेपर के बीचों बीच रख लेंगे, है ना। एक छड़ चुंबक लेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, एक छड़ चुंबक लेंगे और उसको हम ऐसा पेपर के बीचों बीच रख लेंगे, और उस पर जाहिर सी बात है ध्रुव के नाम लिखे होंगे, मान लीजिए यहाँ पर एन ध्रुव है और यहाँ पर एस ध्रुव है। अपन का मकसद क्या है इस प्रैक्टिकल से, अपना मकसद है कि अपन जो है इसकी बल रेखाएं खींच पाए, किसकी, चुंबक की बल रेखाएं खींच पाए, है ना। तो अपन होगा करेंगे क्या, इसमें अपन एक कंपास का सहारा लेंगे, एक छड़ चुंबक लेंगे, उसको अपन ने पेपर पे फिक्स कर दिया, फिर उसके बाद एक कंपास लेंगे अपन, है ना। कंपास कहाँ रखेंगे, कंपास अपन यहाँ पर रखेंगे, किस जगह पर, इस जगह पर रखेंगे। अब जब आप कंपास रखोगे तो होगा क्या, ये जो कंपास है उसकी सुई कहीं ना कहीं जो है वो चुंबक के कारण से विक्षेपित होगी और वो एक पॉइंट पे रुक जाएगी, मतलब वो इस डायरेक्शन में जो है वो खड़ी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में रुक जाएगी। जैसे इस डायरेक्शन में रुकेगी, आप देखोगे ना ये वाला प्रैक्टिकल करके देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको।
जैसे ही रुक जाएगी ये सुई इसके पास लाने पर, अपन पेंसिल की सहायता से इसकी नोक के आगे, इसके त्रिकोण के आगे एक डॉट लगा देंगे। एक डॉट लगा दिया आपने, फिर क्या करेंगे अपन, अपन जो है वो कंपास को उठाएंगे यहां से। अपन ने डॉट लगा लिया, अब कंपास को अपन ने उठाएंगे और इसको उठाने के बाद जो है इसको इसकी इसकी पूंछ पे रखेंगे, मतलब किसकी पूंछ पर, जो अपने पॉइंट बनाया ना उसकी पूंछ पर रखेंगे। जैसे ही हम रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सुई रहेगी, ये जो अंदर की सुई रहेगी, ये सुई का डिफ्लेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये सुई जो है वो आप किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ऐसे मूव कर रही होगी, है ना। फिर से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे यहाँ पर, और फिर उससे हम क्या करेंगे, फिर से हम जो है वो कंपास को यहाँ से उठाएंगे। यहाँ से उठाने के बाद इसको जो है वो इस पॉइंट पे रखेंगे आप, है ना। जैसे आप इस पॉइंट पे रखेंगे आपको पता चलेगा कि ये सुई जो है वो फिर से जो है वो मूव कर जाएगी, ये सुई फिर से मूव कर जाएगी और जो है वो हमको एरो कुछ इस दिशा में मिल रहा होगा, इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा। यार मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, वीडियो क्यों नहीं दिखा दे रहा आपको, है ना। मैं बता रहा था आपको कि ऐसा कर सकते हो आप, जैसे इधर मिलेगी हम एक और पॉइंट लगा देंगे। इसका वीडियो देख लेते हैं अपन तो ज्यादा अच्छा रहेगा मामला। वीडियो को क्या बोलेंगे, वीडियो को बोलेंगे ड्रॉइंग मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस विथ कंपास, है ना। कंपास मतलब कि दिशा सूचक यंत्र। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, बहुत छोटा सा, आसानी से हम इसकी चुंबक की बल रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, लास्ट लेसन वी लर्नड अ लिटिल बिट अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, टुडे यू आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिकल टू सी इफ वी कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ आइडिया ऑफ व्हाट। मैं इसका साउंड म्यूट कर देता हूं। तो इस प्रैक्टिकल में करेंगे क्या अपन, एक ये लिया अपन ने मैग्नेट, इस मैग्नेट के आजू बाजू क्या, ये देखो ये कंपास है, नॉर्थ साउथ दिखा रहा होगा ये, है ना। इसमें क्या करा अपन ने, इस सुई की पहले तो आउटलाइन खींच ली ताकि मैग्नेट अगर हिले तो हम वापस रख सकें उसको। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, इसके नॉर्थ पोल से, ये वाला नॉर्थ पोल है ना, ब्लू वाला जो है वो नॉर्थ पोल है, रेड वाला जो है वो साउथ पोल है। आप बिल्कुल उसको डिपेंड करता है मैग्नेट कौन सी, अपनी मैग्नेट पे लिखा रहता है। जैसे आप यहाँ पर सुई रखते हो ना, तो देखो ये वाली जो वो जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना, सुई पे ध्यान देना। देखो सुई ऐसी बता रही है, ऐसी बिल्कुल सीधी सीधी बता रही है। तो जिस डायरेक्शन में सुई बता रही है ना, हम उस डायरेक्शन पे पेन की सहायता से डॉट लगा लेंगे, है ना, ऐसा डॉट लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम जो है, इस कंपास को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे और उसकी जो तीर की दिशा रहेगी उसकी पूंछ को उस पॉइंट पर रखेंगे जो हमने अभी हाल पॉइंट बनाया, ऐसा बनाया, फिर से एक पॉइंट आगे बना लेंगे, है ना। फिर उसके बाद फिर से हम इस सुई को आगे खिसकाएंगे और ये एरो जो है वो इसकी, देखो ये इसकी पूंछ पर फिर से वो डॉट रखेंगे और एक और लाइन बना लेंगे, है ना। इनको थोड़ा सा सुई को जो है वो सीधे सीधे बनाना चाहिए था, थोड़ा सा ये इन्होंने बिल्कुल सेंटर में ली थी तो एक लाइन इनकी बिल्कुल सीधे सीधे चली जा रही है ना। तो इनको जो है वो इसको थोड़ा सा, ये देखो ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र की, यहाँ पर जो चुंबकीय रेखा है वो कैसी जा रही होगी, ऐसी ऐसी जा रही होगी, सीधे सीधे जा रही होगी। अब इस कंपास को वो थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, है ना, थोड़ा सा तिरछा रखेंगे तो आप देखोगे ये एरो थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ आ रहा है ना। अगर थोड़ा सा तिरछा रखें तो ये थोड़ा सा एरो टेढ़ा बना हुआ आ रहा है। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, वो आगे करके खींचते हैं, तो देखो फिर से एरो जो है वो टेढ़ा होता जाएगा, धीरे धीरे जो है वो एरो टेढ़ा होता जाएगा। देखो जैसे अगले पॉइंट पर रखेंगे तो और टेढ़ा होगा, ये देखो और टेढ़ा हुआ। तो अब ये वाली जो लाइन रहेगी वो कैसी निकल गई, इस डायरेक्शन में ऐसी ऐसी निकल गई। एक और थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, वो तिरछा रखने के बाद देखो जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, देखो कैसे कैसे चेंज हो रही है ना। इन्होंने मेन लाइन बनाई नहीं है, कैसे, क्या इंसान है, कैसा वीडियो बना के रखा है, मेन लाइन खींची नहीं महान इंसान ने, यार हद हो गई, जबरन ने हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया। अपने स्कूल में वाला वीडियो नहीं है क्या, आप लोग उसे देखने को बोला था, मैंने देखा था क्या आपने, ये कब बोला था, कल एमएम स्कूल डांस आता है मालूम, एमएम स्कूल वो नहीं आता, एमएम स्कूल डांस आता है, वो भी अपना नहीं है, सर्च करने पे अभी भी स्कूल का नाम नहीं आ रहा, बताओ। अरे भाई क्या है, हाँ अब आया,
अच्छा, इसमें मैंने उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है ना एक्सपेरिमेंट की। अभी तो सब अपने यही वाले वीडियो दिख रहे हैं पूरे ऑनलाइन क्लासेस के। ओम का नियम है, चलो इस बार तुम लोग को मौका मिलेगा इसका, ये वाला वीडियो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वीडियो है नहीं, इसको बनाएंगे अपन, करेंगे अपन इसको। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा ना कैसे मैंने बताया, कंपास रखते जाते हैं और लाइन खींचते जाते हैं, है ना। अब इस वाले वीडियो में यहीं तक खत्म कर रहा हूँ, अगले वीडियो के लिए फिर से एक बार ज्वाइन करूँ।